Hello students, today we are going to discuss that how we can convert this number in the form of p by q. ठीक, आज क्लास में हम सीखेंगे कैसे हम इस नंबर को हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्लियर? सपोज लेट वी कैन राइट x इक्वल टू 0.33... This will be our first equation. Now, on multiply both the side by 10. याद रखिएगा चीज़ को, अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट है जिसका जिसका बार है, इसको बोलते हैं बार. ठीक, इस नंबर को हम 0.3 की बार लिख सकते हैं, यानी कि 3 बार बार ऐसे रिपीट होता जाएगा. ठीक, तो अगर पॉइंट के बाद एक नंबर पर बार लगा, यानी कि हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 2 पर लगा होगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक, यहाँ पर एक लगा इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 3.33 .. क्लियर? नो, इफ़ यू सी दैट द वैल्यू ऑफ x इज 0.333. ठीक, आपको दिख रहा होगा कि 0.33 का वैल्यू क्या है, x है. ठीक, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 3.333 एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज x. नाउ द 10x इक्वल टू 3 + x. क्लियर? इफ यू टेक दिस नंबर ऑन दिस साइड 10x माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 3. नाउ दिस विल बिकम 9x इक्वल टू 3 एंड द एक्स इज इक्वल टू 3/9. ऑन सिंप्लीफाई वी गेट 1/3. Therefore, the number will be 1/3. That is our answer. Clear?